हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3ds मैक्स में पार्टिकल के टाइमिंग एंड क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने व्यूपोर्ट से ग्रिड को हटा रहे हैं। हम जी प्रेस करके ग्रिड हटा सकते हैं। जी हमारा ग्रिड हटाने का शॉर्टकट होता है, तो हम हर व्यूपोर्ट में जाकर जी प्रेस करेंगे और ग्रिड हटा देंगे। इसके बाद हम अपने क्रिएट ऑप्शन में आएंगे, ज्योमेट्री में पार्टिकल सिस्टम में आएंगे और हम यहाँ से सुपर स्प्रे सेलेक्ट करते हैं और अपने व्यूपोर्ट में लेफ्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करते हैं। इससे हम जितना बड़ा सुपर स्प्रे बनाना चाहें उतना बड़ा सुपर स्प्रे बना सकते हैं। इसके बाद हम ऑल्ट डब्ल्यू करके प्रस्पेक्टिव व्यू को जूम कर लेंगे। ई प्रेस करेंगे, हम पार्टिकल को रोटेट कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में करना चाहें। डब्ल्यू प्रेस करके हम इसे मूव कर सकते हैं, तो हम इसे राइट हैंड कॉर्नर में रखेंगे। अब हम देखते हैं इसको एनिमेट करके, हम अपने स्लाइडर को मूव करके देख सकते हैं यहाँ पे अपने पार्टिकल का इफेक्ट किस तरीके से सेंटर से हमारे पार्टिकल्स जा रहे हैं। अब हम अपने इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, इसके टाइमिंग में, इसकी क्वांटिटी में चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसके मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आता है व्यूपोर्ट डिस्प्ले का, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा टिक्स पर डॉट लगा हुआ है। इट मीन्स हमारा टिक्स में पार्टिकल जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हमें प्लस प्लस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमें अगर इसे डॉट्स कर दें तो हम अपने व्यूपोर्ट में देख सकते हैं कि हमें डॉट्स में पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं ये। इसके बाद हम नीचे देख सकते हैं मैश आ रहा है, हम अगर मैश पे क्लिक करते हैं तो हम इसको मैश में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं पर्पल कलर के हमें मैश दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। हम अपने व्यूपोर्ट को और ब्राइट करके देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमें पर्पल कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। हम इनकी क्वांटिटी में चेंज करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं हमें पार्टिकल की यहाँ पर 10% आ रहा है। अगर हम इसको 50% कर दें तो हमें यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल दिखाई देंगे। हम वापस से अपने व्यूपोर्ट का कलर कस्टमाइज में जाकर चेंज कर सकते हैं। हम वापस से पार्टिकल में टिक्स कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। हम वापस इसको 10 कर देते हैं तो हम देख सकते हैं अपने व्यूपोर्ट में। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे पार्टिकल जनरेशन का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल के टाइमिंग आ रहे हैं, जिसमें स्टार्ट फ्रेम आ रहा है तो हम इसमें वैल्यू दे देते हैं 20 और इसके बाद स्टॉप में हम वैल्यू दे देते हैं 90 या हम दे सकते हैं 60। अब हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्टार्ट टाइम 20 और एंड टाइम स्टॉप टाइम 60 कर दिया है, तो हम अपने पार्टिकल्स में 0 से जाते हैं और आगे मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं 20 तक कोई पार्टिकल नहीं है और 20 के बाद पार्टिकल आने शुरू हो गए हैं। हम 60 तक जाते हैं और 60 के बाद हम देख सकते हैं कि पार्टिकल खत्म हो गए हैं। अब हम पार्टिकल को सेंटर में ले आते हैं, इट मीन्स 20 के बाद कहीं पर भी किसी डायरेक्शन में, तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 40 पे ले आए हैं। इसके बाद हम वापस ऊपर आते हैं तो ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं कि पार्टिकल फॉर्मेशन आ रही है, जिसमें इसको दो डायरेक्शन दी हुई है स्प्रेड करने की। तो फर्स्ट डायरेक्शन में हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं और इसी तरीके से हम इसको दूसरी डायरेक्शन में भी स्प्रेड कर रहे हैं। हम यहाँ से इसकी अमाउंट बढ़ा रहे हैं, 10 की जगह हम इसे 50 कर देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर काफी सारे पार्टिकल दिखाई देंगे। हम स्प्रेड की वैल्यू अभी भी चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसी तरीके से हम ऊपर वाले स्प्रेड में भी चेंजेस कर सकते हैं। अब हम वापस से नीचे आते हैं, हम अभी भी चाहें तो अपने स्टार्ट और एंड में चेंजेस कर सकते हैं। अब हम अपने एनिमेशन को फिर से चेक करते हैं, हम 0 से जाकर वापस शुरू करते हैं 20 के बाद, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अब हमारे पार्टिकल इसमें निकल रहे हैं और 60 के बाद ये एंड हो जाएंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि पार्टिकल क्वांटिटी में इसके यूज रेट दिखा रखे हैं 10, हम इसको 50 अगर कर दें तो हम देख सकते हैं कि हर फ्रेम में हमारे पास अब 50 पार्टिकल्स दिखेंगे, मतलब इट मींस कि पार्टिकल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हम और ज्यादा बढ़ाना चाहें और बढ़ा सकते हैं, हमने 100 कर दिए तो हम देख सकते हैं कि पार्टिकल और 100 हो गए। इसी के साथ हम देख सकते हैं यूज टोटल दिया हुआ है, अगर हम यूज टोटल पे क्लिक करें तो अभी यहाँ पर 100 दिखा रखे हैं। इट मींस कि जब 20 से लेके 60 तक हम एनिमेशन करेंगे, 20 से 60 तक, तो टोटल हमारे पार्टिकल इतने पोर्शन में सिर्फ 100 आएंगे। और अगर हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, इट मींस हमने 300 कर दी, तो अब 20 से लेके 60 तक वो टोटल
300 पार्टिकल्स दिखाएगा। हम और क्वांटिटी बढ़ा दें, इट मीन्स अगर हमने 600 कर दी तो वो 20 से लेकर 60 तक हमारे 600 पार्टिकल्स दिखाएगा। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि अगर हम 600 को 10 कर दें तो हम देखेंगे कि वो 20 से लेकर 60 तक सिर्फ 10 पार्टिकल्स ही दिखाएगा। हम काउंट कर सकते हैं 3, 4, मतलब वो मैक्सिमम 10 पार्टिकल ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम टोटल पार्टिकल्स की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अब हम यूज टोटल और यूज रेट में डिफरेंस देखेंगे। इट मींस अगर हम यूज टोटल को 100 कर दें, इसी के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यूज टोटल को हमने 100 किया हुआ है। हम 45 पे जाकर रुक जाते हैं और यूज रेट पे क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यूज रेट में और यूज टोटल में कितना डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम पार्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग और क्वांटिटी में चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू।